दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश वर्मा। अगर आप भी अपने घर पर इंडक्शन यूज करते हैं तो आपके इंडक्शन में भी कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम जो है आती होगी। कई बार क्या होती है, हम इंडक्शन में कुछ बर्तन में कुछ सामान रखकर गर्म करना चाहते हैं या कुछ चीज पकाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो इंडक्शन है उसमें कुछ ही देर चलती है, उसके बाद E2 की एरर आ जाती है या कभी कभी तो E0 की एरर जो है हमें इंडक्शन में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों एरर क्यों आती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर इंडक्शन में जो है पावर देते हैं। तो यहाँ पर तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंडक्शन में इसकी जो है पावर दे दिया है। पावर देने के बाद पावर बटन ऑन करता हूँ, ऑन करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल आ जाती है और बर्तन में जो पानी है वो गर्म होने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर के बाद चलने के बाद E2 की एरर आती है या E0 की एरर कई बार हमें देखने को मिलता है, तो वो क्यों मिलती है आइए समझते हैं। दोस्तों यहाँ से हम बर्तन को हटाते हैं। बर्तन को हटाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर E0 की जो एरर आ रही है, ये एरर इसलिए आ रही है कि यहाँ पर कोई भी बर्तन नहीं है, तो सेंसर सेंस करके यहाँ पर बता रही है कि E0 वाली एरर यहाँ पे दिख रही है। और इसमें हम कोई छोटा सा बर्तन रख देते हैं तो इस एरिया के अंदर जो बर्तन को सेंस नहीं कर पाया, तो उसको पता नहीं चली कि इसमें कोई बर्तन रखी है, इसलिए यहाँ पर जो है E0 की एरर दिखा रही है। तो इसमें हम एक और बात कर लेते हैं, कई बार चलते चलते जो है इंडक्शन में E2 की एरर आती है, तो वो क्यों आता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इंडक्शन को पहले खोल लेते हैं, पावर बंद करते हैं इंडक्शन की। तो दोस्तों देखिए हम एक एक करके यहां पर इसकी सभी स्क्रू को ढीला कर लेते हैं, बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए हम इसकी जो सभी स्क्रू है उसको पीछे से ढीला कर चुके हैं, जिसमें ये पार्ट जो है बाहर आ जाएगी कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों जो E2 की एरर कई बार आती है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो टेम्परेचर सेंसर जो है ये खराब हो जाती है, जिसके कारण से कई बार ये जब चलती है तो इसकी जो पावर और जो हीटिंग है उसको ठीक से सेंस नहीं कर पाती है, तब ये जो सेंसर खराब होने की वजह से कई बार जो है E2 की एरर आती है। दोस्तों इस कंडीशन में हमें सिंपली क्या करनी है, यहाँ पर हमें ये जो स्क्रू लगी है इसकी तीन, इसे बाहर निकालनी है। तो इस तरह से हम इसकी तीनों स्क्रू बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे ये जो सेंसर है, सेंसर वाली वायर को यहां से निकालनी है। कुछ इस तरह से इसके बाद ये जो सेंसर है बिल्कुल बाहर आ जाती है। दोस्तों आप भी एक बार अगर E2 की एरर दिखाए तो ये जो सेंसर है इसे चेंज करके देख लें, हो सकता है आपके जो इंडक्शन चूल्हा है उसमें सिर्फ सेंसर ही खराब हो, जिसके कारण से E2 वाली जो एरर है वो आ रही हो। तो सिंपल सेंसर चेंज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो